वेलकम बैक अगेन फूबी इंजीनियर्स। तो गाइस आज एक बहुत अच्छा जॉब डेटा आया हुआ है, बहुत एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए और फ्रेशर्स दोनों के लिए जॉब आया हुआ है। काफी अच्छी कंपनी है, सारी डिटेल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल फूबी इंजीनियर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और पुराने हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, उन्हें भी बताओ। एक चैनल है जहाँ पे अपडेट्स रेगुलर मिलते रहते हैं, खासकर मैकेनिकल वालों के लिए। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, और कैरियर सेक्शन सेक्टर में जाओगे तो देखोगे ये दो तरीके के रिक्रूटमेंट निकले हुए हैं इनकी तरफ से। एक है एक्सपीरियंस वालों के लिए, एक है फ्रेशर्स वालों के लिए। वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करेंगे। तो बहुत अच्छा गाइज, ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादातर काम करती है। तो जो भी काफी मुझे मैसेज आते हैं कि सर मैं 2 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है सर इसमें लाओ, तो एक अच्छी बात यह है कि आप बीबीटेक किसी भी ब्रांच से हो, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बीबीटेक प्रोडक्शन हो, ऑटोमोबाइल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, तो ये एक्सपीरियंस सेक्टर वाले में एक्सपीरियंस वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू होने का है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई फीस वगैरह यहाँ पे नहीं है। चलिए वन बाय वन इसको देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपीरियंस वाले का। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले के लिए देखा जाए गाइस, तो एक्सपीरियंस वाले के लिए देखिए सबसे पहले प्रोजेक्ट हेड की बात किया जाए, तो प्रोजेक्ट हेड में सिर्फ एक वैकेंसी है, और बीबीटेक किए हो आप, बीएससी हो, किसी भी ब्रांच से, तो गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर मिनिमम एज लिमिट जो होना चाहिए आपकी 25 साल होना चाहिए। ओ मिनिमम एक्सपीरियंस लिखा है क्या? ओके यस इट इज मिनिमम एक्सपीरियंस। तो 25 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है गाइस, तो ये तो अपन के लिए है ही नहीं किसी चीज किसी के लिए, तो अपन इसको तो हाइड करते हैं। बाकी और दे सकते हो 20 साल 20 साल 20 साल, 2 साल वाले भी हैं, मैं बताऊंगा, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, आगे और भी हैं। ये सब क्या है कि बहुत बड़ी पोस्ट है, और जो एक्सपीरियंस है जो रिटायर्ड वगैरह लोग हैं ना उनके लिए ये सब पोस्ट है, ठीक है। प्रोडक्शन हेड का, टेक्निकल हेड का, मेंटेनेंस हेड जो हो गए, इन सब के लिए इस तरीके से पूरा रिक्रूटमेंट है। और अच्छी बात यह है कि अगर आपने बीएससी कर रखा है, बीईटेक कर रखा है इन सब ब्रांचों से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 60% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद गाइज आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देख सकते हो अमोनिया में इंजीनियर का पोस्ट है, 25 पोस्ट है। बीबीटेक कर रखा हो, अगर आपने बीएससी कर रखे हो केमिकल इंजीनियरिंग से, और 60% ज्यादा आपके मार्क्स हैं, तो अप्लाई कर सकते हो। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और यहाँ 5 साल के एक्सपीरियंस वालों के लिए है, तो मुझे सबसे बेस्ट ये लगा इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। 2 साल का एक्सपीरियंस जिनके पास है केमिकल इंजीनियरिंग से, बीबीटेक कर रखे हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइज उसके बाद और आगे चलते हैं। उसके बाद यूरिया में इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है 10 पोस्ट है, यहाँ भी अगर मैक्सिमम एज 30 साल है आपका तो चलेगा, 30 साल से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ भी बीबीटेक अगर हमने केमिकल इंजीनियरिंग से कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइज, उसके लिए एक और पोस्ट दिखा 2 साल वाला, क्योंकि आप बाकी तो आप देख सकते हो ऑफ साइट्स एंड यूटिलिटीज इंजीनियरिंग के पोस्ट है, 9 यहाँ पे पोस्ट है। बीबीटेक केमिकल मैकेनिकल से कर रखे हो अगर आप, 60% ज्यादा मार्क्स हैं, 30 साल से कम आपका एज है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। फिर गाइज आगे बढ़ते हैं, इधर से बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बाद मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल स्पेशल मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 14 पोस्ट है गाइज यहाँ पे, 30 साल के अंदर आपका एज है तो चलेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ बीबीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, अगर आपका 60% ज्यादा मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज ये जो पोस्ट बताया था इसमें भी अगर आप मैकेनिकल, इस पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइज, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ 5 पोस्ट है, 2 साल से ज्यादा का 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है आपके पास, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद गाइज आगे बढ़ते हैं, चीफ मैनेजर और या फिर ओके यहाँ पे देखते हैं इसमें किसी का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है इसमें, इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियर की पोस्ट 9 पोस्ट है, और इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम, तो चलेगा, 30 साल इसकी मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, उसके बाद देखिए सेफ्टी ऑफिसर की बात किया जाए, तो सेफ्टी ऑफिसर में 2 ही पोस्ट है, इसमें भी अगर आपने बीबीटेक किसी भी ब्रांच, इतने सारे ब्रांच दिख रहे हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मैक्सिमम सारे ब्रांच है, तो इनसे अगर आपने कर रखा है 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बेस्ट है जॉब।
इंजीनियरिंग सर्विस में बात करें तो 6 पोस्ट हैं, यहाँ 6 पोस्ट हैं असिस्टेंट मैनेजर का। बीबीटेक अगर आपने कर रखा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, 60% ज्यादा मार्क्स हैं, 35 साल से कम एज है आपका, 5 साल का एक्सपीरियंस है, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ तो अपने काम का कुछ दिख नहीं रहा है, मिनिमम एक्सपीरियंस इधर 5 साल कोई काम का नहीं है। उसके बाद एक पोस्ट है यूरिया प्रोडक्ट हैंडलिंग में ऑफिसर का पोस्ट, 3 पोस्ट है, इसमें 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, 30 साल के अंदर आपका एज है, तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आगे और देखते हैं गाइस और अपने काम का क्या क्या है। 2 साल वाला एक बता रहा, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग इंजीनियर, 4 पोस्ट है, बीबीटेक अगर आपने कर रखा है किसी भी ब्रांच से, एनी डिसिप्लिन से, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये जॉब आपके लिए बेस्ट है। और देखते हैं गाइस 2 साल वाला, 2 साल वाला उसके बाद ये आता है ह्यूमन रिसोर्सेस में ऑफिसर्स की पोस्ट है, 4 पोस्ट, और इसमें अगर आपने एमबीए मास्टर डिग्री कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज भी 30 साल से कम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, उसके बाद यहाँ पे फाइनेंस, परचेस, स्टोर, सिविल, ये सब की कमिंग सून, मतलब अभी इसकी डिटेल पूरी तरीके से आई नहीं है, बट इसकी भी वैकेंसी अच्छी खासी निकलने वाली है। और इसमें अगर आपने बी बीटेक कर रखा है किसी भी ब्रांच से, अगर आप ग्रेजुएट हो, बी कॉम वगैरह भी कर रखे हो, तो भी अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन एक्सपीरियंस आपका इसमें 2 साल का होना चाहिए। अब किसमें होना चाहिए डिटेल तो अभी बताया नहीं गया नोटिफिकेशन में, जल्दी इसकी नोटिफिकेशन दोबारा अपडेट होगी तो उसके बारे में जो भी डिटेल आएगा बता दूंगा। तो गाइज यहाँ पे यही है, 2 साल मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्रूटमेंट जितना बताया गया, अगर उतना आपके पास है तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट होने वाला है इंटरव्यू। इंटर सेलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए, सिलेक्शन ऑफ इंजीनियर ऑफिसर्स हैविंग मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, डायरेक्ट उस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू पे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करके इंटरव्यू ली जाएगी, ठीक है। और अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हो तो आपका उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट किया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होगा, एंड देन आपका जॉब यहाँ पे फिक्स है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होगा इस, वो जरूर से जरूर अप्लाई करें। सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन बेसिस ऑन पीरियड ऑफ 1 ईयर। यहाँ पे एक चीज और साफ साफ लिख दिया गया है गाइस कि 1 साल के लिए आपको पहली बात रखा जा रहा है, और 1 साल में रखने के 1 साल के रखने के बाद आपका जो भी अच्छा जो आपकी रैंकिंग बनेगी, उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग आप अच्छा काम करते हो तो ही आपका एक्सटेंड किया जाएगा, अदरवाइज आपको वहीं से भगा दिया जाएगा 1 साल बाद। तो ये थोड़ा सा रिस्की है, बट यार इतनी अच्छी जॉब, इतनी अच्छी सैलरी मिलेगी तो क्यों काम आप नहीं करोगे। एनुअल सीटीसी आप देख सकते हो, यहाँ पे अपन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिसर, इंजीनियर की 7 से 10 लाख पर एनम आपको मिलने वाला है गाइस, 7 लाख पर एनम, समझ रहे हो, 30-40 हज़ार से ऊपर आपकी सैलरी जा रही है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है लिंक वगैरह मैं आपको बता दूंगा, लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर लेना। बट गाइस अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को खुद से पढ़ लेना, और कहीं डाउट वगैरह हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिंदाबाद, आप उसमें मैसेज करो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है गाइस। तो कोई फीस वगैरह नहीं है, यहाँ पे वेन्यू और टाइम, यहाँ पे डेट एंड टाइम और डिटेल ऑफ वेन्यू सेलेक्शन एंड ऑल अदर कॉरेस्पॉन्डिंग शैल बी कम्युनिकेटेड टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थ्रू ईमेल। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे फॉर्म भरिए, उनको ही वेन्यू और टाइम ईमेल के थ्रू उनको मिल जाएगा। ओके गाइस, तो ये पूरी डिटेल वगैरह एक बार अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। स्टार्टिंग डेट इसका जो है 17/2/2020 से स्टार्ट है और 3/3/2020 तक जाने का है, ठीक है। तो लास्ट डेट इसका 3 मार्च को है, तो 3 मार्च आ ही गया, 2 दिन बचा हुआ है, उससे पहले जाके अप्लाई कर लो। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हो जल्द से जाकर अप्लाई जरूर करना। अब फ्रेशर्स की ओर चलते हैं गाइस। तो यहाँ पे जो फ्रेशर इंजीनियरिंग है उनको गेट 2019 के बेस पे लिया जा रहा है, ठीक है। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड में आपका गेट 2019 के, जो अगर आप सिर्फ क्वालिफाई किए हो, अगर आप गेट 2019 क्वालिफाई किए हो तो आप जरूर अप्लाई करना। जिसका ज्यादा अच्छा नंबर्स होगा, जो भी लोग अप्लाई करेंगे, बहुत कम चांस है कि ज्यादा लोग अप्लाई करें, और जो भी लोग अप्लाई करेंगे उनके सारे गेट स्कोर को कंपेयर करके जिनका अच्छा होगा उनको बुलाया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 25 पोस्ट हैं, ओके। इस तरीके से सारे केमिकल इंजीनियरिंग के इंस्ट्रूमेंट के इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पे 28 साल से ज्यादा आपका एज लेकिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। गेट में 2019 में स्कोर मांगा जा रहा है, 2019 से पहले का अगर आपका गेट स्कोर है, आप क्वालिफाई हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये चीज साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है, कोई भी फीस वगैरह नहीं है, और
यहाँ पे सेलेक्टेड कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो एटलीस्ट 3 साल का आपका 2.5 लाख के आसपास आपका सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड कहेगा, ताकि आप नौकरी बीच में ही छोड़ के ना भाग जाओ। चले जाते हैं ना छोड़ के बहुत लोग, अच्छे खासे गेट वाले भी। तो गेट 2019 का ही स्कोर चाहिए इसमें, तो ये चीज ध्यान दें। बाकी डिटेल वगैरह कैसे है अप्लाई करने का लिंक वगैरह मैं दे दूंगा, बट नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें। वेन्यू टाइम उन्हीं को मिलेगा, और इसमें भी डायरेक्ट इंटरव्यू होने का है, ठीक है? कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा भाई, ऑलरेडी आप गेट क्वालिफाई करके आ रहे हो, ठीक है? तो एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, एंड देन यू आर सिलेक्टेड फॉर द इसमें। इसका भी लास्ट डेट देख सकते हो गाइज। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 28/2/2020, तो 28/2/2020 से स्टार्ट है, ओके? तो जस्ट ये कल ही नोटिफिकेशन आया था, 2 दिन, 1-2 दिन पहले, और 28 तारीख, 28 फरवरी से स्टार्ट है, और इसकी लास्ट डेट जो है 15 मार्च को। तो 15 मार्च से पहले आप जरूर, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हो, अप्लाई करें। किसी को कहीं भी क्वारीज आता है गाइस, तो ये ईमेल आईडी दे रखा है, इस पे क्लिक करके आप अपनी क्वारीज को भेज सकते हो, जल्द से जल्द रिप्लाई मिलता है, ठीक है? और मैंने ट्राई करके एक्चुअली देखा है, जल्द रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। फिर भी कहीं दिक्कत वगैरह होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए, वहां पे हमें मैसेज कीजिए, हम जरूर आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ। जय हिंद।